हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबा दें, जिससे हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या मामले में लगातार नाकटीय मोड़ आ रहे हैं। इस प्रकरण में जिस तरह से आरोपी अशोक ने अचानक पुलिस के समक्ष प्रकट होकर अपना जुर्म कबूल लिया, ऐसे में लोगों का संदेह होना लाजमी था। परिजनों को लगा कि दाल में कुछ काला जरूर है। जांच टीम के तब झटका लगा जब इस हत्या में एक और शख्स के शामिल होने की चर्चा तेज हो गई। फिलहाल एसआईटी ने जांच के बाद इस दूसरे शख्स का सच बता दिया है। जानिए एसआईटी टीम का सच क्या है। एसआईटी ने पूरी की जांच। बता दें कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या मामले की जाँच एसआईटी ने पूरी कर ली है। 3 से 4 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। जांच के मुताबिक हत्या में केवल बस कंडक्टर अशोक ही शामिल था। इसके अलावा किसी दूसरे की किसी भी स्तर पर भूमिका नहीं है। हत्या के पीछे बड़ी साजिश। हालांकि पीड़ित के पिता वरुण चंद ठाकुर जांच से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि बस कंडक्टर आखिर उनके बेटे को क्यों मारेगा। यदि कंडक्टर कुछ गलत भी कर रहा था तो 7 साल के बच्चे को क्या समझ में आएगा। केवल आँख दिखाने पर ही बच्चा डर जाता। उसकी निर्दयता से हत्या करने की क्या आवश्यकता थी। निश्चित रूप से हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश है, जिसकी जांच सीबीआई से ही होनी चाहिए। श्याम कुंज निवासी वरुण चंद ठाकुर का 7 वर्षीय पुत्र प्रद्युम्न सोना रोड गांव भूमसी के नजदीक स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा का छात्र था। ठाकुर शुक्रवार सुबह 7:50 पर उसे स्कूल के गेट पर छोड़कर गए थे। 8:10 पर उन्हें स्कूल से फोन किया गया कि प्रद्युम्न बाथरूम में गिर गया है। उसे सेक्टर 51 स्थित एक निजी अस्पताल में ले जाएगा, आप पहुँचे। जब ठाकुर वहां पहुंचे तो जानकारी दी गई कि बच्चे की पहले ही मौत हो चुकी थी। 2 से 3 मिनट में सारा घटनाक्रम। पुलिस जांच के मुताबिक प्रद्युम्न अपनी कक्षा में जाने की बजाय सीधे बाथरूम पहुंच गया था। उस समय बाथरूम में केवल बस सहायक अशोक था। वह बस के टूल बॉक्स से चाकू निकालकर धोने के लिए पहुंचा था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वह गंदी हरकत करने लगा। इसे प्रद्युम्न ने देख लिया था। बच्चा बाहर जाकर बता न दे, इस भय से उसने पीछे से पकड़कर उसका गला रेत दिया। पहली बार में चीख निकली, लेकिन दूसरी बार जब वार किया तो आवाज बंद हो गई। इस वजह से बच्चा बाथरूम से बाहर तड़पता हुआ आया, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं सका। 1 से 2 मिनट बाद ही माली हरपाल बाथरूम के नजदीक पहुंचा तो उसने स्कूल प्रबंधन को सूचना दी। शक न हो इसलिए सहायता करने लग गया था। किसी को शक न हो इसलिए आरोपी अशोक ने बच्चे को अपनी गोद में उठाकर न केवल गाड़ी तक पहुंचाया बल्कि अस्पताल तक भी गया था। इस वजह से कपड़ों में खून लगने के बाद भी किसी को शक नहीं हुआ। घटना के दिन ही जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो 2 बच्चों ने बताया कि उन्होंने बाथरूम में बस सहायक अशोक को जाते हुए देखा था। इसके बाद अशोक से पूछताछ की गई। वह कुछ ही देर में टूट गया और उसने सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि वह गलत काम कर रहा था। उसे डर हुआ कि कहीं बच्चा किसी को बता न दे। उसके पास चाकू था, उसने उसे पीछे से पकड़कर गले को चाकू से रेत दिया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबा दें, तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।